जेएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की गूंज संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने जेएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला उठाया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। संसद में अपने संबोधन के दौरान रांची सांसद संजय सेठ ने जेएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को घेरा। संजय सेठ ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो रहा है। संजय सेठ ने कहा कि राज्य के युवा रात भर ट्रेन और बसों में सफर करके अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, परीक्षा होती भी है और बाद में इन्हें पता चलता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र एक रात पहले ही लीक हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी 10 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड के अंदर क्या हो रहा है। झारखंड के अंदर अभी जेएसएससी की परीक्षा होनी थी, एक दिन पहले रात में उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। लोग बताते हैं 25-25 लाख रुपए में, निशिकांत जी आपको पता होगा, 25-25 लाख में वह प्रश्न पत्र बिका। और जब 750 के आसपास परीक्षा केंद्र थे, लोग हमारे जो युवा हैं वो ट्रेन में थे, बस में थे, ठंड में जा रहे थे, वह परीक्षा देना है, लेकिन वो परीक्षा पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है? और झारखंड के मुख्यमंत्री जो अब जेल में है, किस आरोप में? जमीन की लूट में, खनिजों की लूट में। उन्होंने झारखंड की जनता से वायदा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन 4 सालों के अंदर मैं दावा करता हूं 5 नौकरी नहीं दी और ना बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय कि यह प्रश्न जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में छात्र आंदोलन है, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम सब बात करेंगे बाद में, कैसे छात्रों के साथ हम न्याय कर सकें। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। राज्य का हर युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं के सपने रौंद दिए हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा हुआ है वो अब तक किसी युवा बेरोजगारों को मिला नहीं। सांसद संजय सेठ ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हालांकि जेएससी सीजीएल पेपर लीक की समीक्षा कर रहा है, साथ ही जेएससी कार्यालय के पास उग्र प्रदर्शन मामले में कार्रवाई भी हो रही है। 15 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कूप। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute. घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।